नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर आप सभी का दोस्त सभी का भाई स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आज जो टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लेट सेलिब्रेट ए ग्रीन एंड हेल्दियर दिवाली। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपावली जैसा कि आप लोग जानते हैं एक खुशियों का त्यौहार है। दीपावली हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब राम जी 14 वर्ष वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे तो इसी खुशी को मनाने के लिए हम लोग दीप जलाकर दिवाली मनाते हैं। जिस तरह से हम लोग आजकल सेलिब्रेट करते हैं दीपावली को पटाखे उड़ाकर, पटाखे एक्चुअली में हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। पटाखे से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। हमारा इन्वायरमेंट यूं ही पॉल्यूटेड है गाड़ियों से एंड इंडस्ट्रियों से। हमें कोई और दूसरा बहाना नहीं ढूंढना चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट और भी पॉल्यूट हो और हम अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं। जो लोगों को सांस की समस्या होती है वो जनरली दिवाली के टाइम पर शहर छोड़कर बाहर जाने लगते हैं क्योंकि शहर में एयर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है। पटाखे जलाने से बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है और नॉइस पॉल्यूशन बढ़ने के कारण दिवाली के समय बहुत लोग बहरे भी हो जाते हैं। पटाखे जलाने से बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन एंड हार्मफुल केमिकल्स इन्वायरमेंट में निकलती है जो कि हमारे हेल्थ और एनिमल्स के हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। एंड स्पेशली दिवाली के टाइम पर पटाखों से एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और जानवरों को भी उतना ही अधिकार है इस पृथ्वी पर रहने का जितना कि हमारा। आजकल जो सेलिब्रेशन का आधुनिक तरीका जो समझा गया है, जो मैं नहीं समझता वो ठीक है कि शराब का सेवन करके ही फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी एक समस्या है। और जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम अपने और दूसरों को भी जान को खतरे में डालते हैं। इस दिवाली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पटाखे नहीं जलाकर, से नो टू क्रैकर्स, और हम इस दिवाली अपने वीर जवानों को समर्पित करें। अभी जैसा कि इंडिया एंड चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है तो हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बैन कर सकते हैं, हम उसे नहीं यूज़ कर और हम अपने मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा कंट्री और आगे बढ़े। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।